आरक्षण पर स्थगन लेने के लिए सरकार ने इतना विलंब कर दिया कि आदिवासी समाज के लगभग 110 बच्चे जो नीट का एग्जाम क्लियर किए, जिनकी भर्ती ही नहीं हो पाई आरक्षण के कारण, और वो डॉक्टर बनने से चूक गए। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के अकर्मण्यता के कारण इतना विलंब हुआ। आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्य की कांग्रेस सरकार को जवाब देना होगा, क्या वो नहीं चाहते कि वो 110 बच्चे डॉक्टर बने, आदिवासी समाज के बच्चे पढ़े लिखे? आखिर उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया गया? अब क्या न्याय के गढ़ छत्तीसगढ़ कहने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उस आदिवासी बच्चों के साथ न्याय करेगी? ये छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज आपसे पूछ रहा है, आपको जवाब देना होगा।